डेरे की राज, डेरे के रहस्य जानने के लिए तलाशी अभियान शुरू होने वाला है, लेकिन एक अभियान अभी भी जारी है और वो है हनीप्रीत को ढूंढने का। लुकआउट नोटिस जारी होने के कई दिन बीत जाने के बाद भी हनीप्रीत कहाँ है किसी को नहीं पता। इस बीच राम रहीम की सबसे करीबी और सबसे चहेती हनीप्रीत इन दिनों पूरी तरह से अंडरग्राउंड है और पुलिस हनीप्रीत को तलाशने के लिए लाख कोशिशें कर रही है, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आ रही। कहाँ है हनीप्रीत? क्यों गायब है हनीप्रीत? हनीप्रीत क्यों हुई अंडरग्राउंड? हनीप्रीत की तलाश में पुलिस ने जमीन आसमान एक कर दिया है, लेकिन हनीप्रीत डेरे के राज लेकर उस पाताल में जा छुपी है जहां पुलिस नहीं पहुंच पा रही। आखिर कानून से क्यों भाग रही है हनीप्रीत? किस बात का डर लग रहा है हनीप्रीत को? दरअसल हरियाणा पुलिस ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के दो करीबी सहयोगियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। ये लुकआउट नोटिस राम रहीम की गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत कौर और डेरा के प्रवक्ता आदित्य इंसा के लिए जारी किया गया है। पुलिस ने उन्हें देश छोड़कर फरार होने से रोकने के लिए नोटिस जारी किया है। हनीप्रीत के खिलाफ पंचकुला हिंसा को उकसाने और राम रहीम को कोर्ट से भगाने की साजिश रचने का आरोप है। हनीप्रीत को 25 अगस्त की शाम को रोहतक में आखिरी बार देखा गया था और तभी से ना तो हनीप्रीत का कोई पता लग पा रहा है और ना ही कोई सुराग। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। नेपाल से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हनीप्रीत के भागने की हर खबर सामने आ रही है, लेकिन जो सामने नहीं आ रहा वो है हनीप्रीत। हनीप्रीत आखिर कहां गायब हो गई? ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि हनीप्रीत को खोजने के लिए पुलिस की बड़ी बड़ी टीमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं, लेकिन हनीप्रीत का कुछ पता नहीं लग पा रहा है। बताया जा रहा है कि हरियाणा पुलिस की दो टीमें इंडो नेपाल बॉर्डर पर हनीप्रीत का सुराग तलाश रही हैं और बाकायदा हरियाणा पुलिस स्थानीय लोगों से हनीप्रीत की फोटो दिखाकर पूछताछ कर रही है। पुलिस को ऐसी भी आशंका है कि हनीप्रीत आंखों में धूल झोंककर नेपाल की तरफ न भाग गई हो। दरअसल हनीप्रीत के भेष बदलकर नेपाल जाने की खबरें तेजी से सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि इन खबरों की पुष्टि नहीं की जा सकती। वहीं इन खबरों के बीच हनीप्रीत को लेकर एक खबर और सामने आई है। इस खबर में बताया गया है कि हनीप्रीत भेष बदलकर ऑस्ट्रेलिया भागने की फिराक में थी और उसे मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उससे जो पासपोर्ट जब्त किया है उसमें उसका नाम प्रियंका तनेजा लिखा हुआ था, लेकिन इस खबर की भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर हनीप्रीत गई तो कहाँ? ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। इधर हनीप्रीत को लेकर डेरे की तरफ से पहली बार विपासना सामने आए। विपासना के बयान बता रहे थे कि अब डेरा हनीप्रीत से किनारा करने की तैयारी में है। हनीप्रीत को लेकर उठ रहे इन सवालों के बाद अब डेरा ने भी हनीप्रीत से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। पहली बार डेरा सच्चा सौदा ट्रस्ट की चेयरपर्सन विपासना सामने आई और उन्होंने कहा कि हनीप्रीत को डेरे का उत्तराधिकारी बनाने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। गुरमीत राम रहीम ही डेरा के चीफ बने रहेंगे। रही बात उत्तराधिकारी की, ऐसा कुछ भी डेरे की तरफ से कोई भी डिक्लेरेशन नहीं है। वहीं विपासना ने यह भी साफ किया कि कानून का पालन सभी को करना चाहिए, यानी विपासना ने इशारों इशारों में हनीप्रीत को सरेंडर करने की भी सलाह दे डाली।
किसी को सलाह देना चाहेंगे क्योंकि कईयों के खिलाफ एनएसए है दर्द? मैंने मीडिया में पहले भी कहा है कि जो भी कानून की प्रक्रिया है हम निभाएंगे उसे, और उनसे भी मैं अनुरोध करती हूँ कि जो भी है वो करें इसे। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो मानेंगे, हम इनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं। ऐसे में क्या मान लिया जाए कि डेरा अब हनीप्रीत से पीछा छुड़ाने की पूरी तैयारी कर चुका है और डेरे के भीतर भी उसकी मिल्कियत को लेकर नई जंग शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। इस बीच बड़ा सवाल है कि हनीप्रीत कानून के शिकंजे से बचने के लिए अब क्या करेगी, ये एक बड़ा सवाल बरकरार है। उम्मीद है कि सरेंडर करने से पहले हनीप्रीत जमानत की याचिका दाखिल कर सकती है। हनीप्रीत अब कानून के रडार पर है, और हनीप्रीत अगर जल्द ही खुद सरेंडर नहीं करती तो उस पर कानून का शिकंजा और कसता चला जाएगा। हनीप्रीत कानून के इस शिकंजे में ऐसी फंसी है कि अब उसका इससे निकलना मुश्किल होता जा रहा है। हनीप्रीत खुद को बचाने के लिए अब क्या करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। डेरा सदा ही कहता आ रहा है कि हम कानून का पालन करते हैं, और हनीप्रीत और आदित्य इंसा के ऊपर जो है मामला दर्ज है, तो अब वो सरेंडर क्यों नहीं कर रहे, कहाँ कानून का पालन कर रहे हैं? देखिए, मैं उनका वकील नहीं हूँ, मैं उनके बारे कोई बात कमेंट मुझे करना नहीं चाहिए, क्योंकि उन फैक्ट्स का मुझे नॉलेज नहीं है, क्या FIR है, क्या पोजीशंस हैं। वैसे यदि किसी आदमी के खिलाफ FIR दर्ज होती है, हर आदमी को कानून में कुछ राइट्स मिले हुए हैं और उसको जो रेमेडीज मिली हुई है उनको वो एग्जॉस्ट करता है। हो सकता है वो भी उसमें लगे हुए हों कि भी हम अपनी रेमेडी एग्जॉस्ट करें, लीगल रेमेडी जो कानून में उनको दी हुई है राइट्स, उनको एग्जॉस्ट करने की वो बातें सोच रहे हों। हनीप्रीत अब जेल की सलाखों से बचने के लिए क्या करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन राम रहीम की वकील की माने तो हनीप्रीत सलाखों से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका भी दाखिल कर सकती है, और हो सकता है कि हनीप्रीत इस याचिका को दाखिल करने के बाद सरेंडर करे। देखिए, ये पहले तो उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, परंतु ये कानून में लिखा हुआ है कि कोई आदमी अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए ट्राई कर सकता है, तो वो ना सरेंडर करे, वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए ट्राई कर सकता है अपनी, और यदि जी चाहे उसका सरेंडर कर दे, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है इतनी, और इससे कोई ये नहीं होता कि ये बहुत बड़ा अपराध है। कोई भी आदमी अपनी एंटीसिपेटरी बेल तभी लगाता है जब उसके खिलाफ आमतौर पे कोई FIR दर्ज हो जाती है। हनीप्रीत अब क्या करने की फिराक में है और क्या करेगी, ये उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। लेकिन इतना तो तय है कि हनीप्रीत ने अगर जल्द ही सरेंडर नहीं किया तो उसके लिए कानून के इस शिकंजे से निकलना मुश्किल होता चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। तो कानून के शिकंजे में फंसती जा रही है हनीप्रीत, लेकिन हनीप्रीत खुद है कहां इसके बारे में किसी को नहीं पता। फिलहाल उनकी तलाश जारी है।